श्री गुरु ग्रंथ साहब को यदि जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि जिस वक्त मैंने अध्यात्म और राष्ट्रवाद का बात कही तो वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दोनों का सामंजस्य संयोग आपको सामने प्रत्यक्ष दिखता है। ईश्वर का नाम लिया, भक्तिवाद की बात थी उसमें, हर जगह पे हर उसका कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जहां पर ईश्वर की उपासना के बारे में वहां पर उल्लेख ना हो। अब बात आ जाती है कि उसकी राष्ट्रवाद क्या था। उसमें जो टोटल 36 महापुरुषों की वाणी है उसमें सिर्फ 6 गुरु उनकी वाणी है, 15 भगत हैं, 11 भट्ट हैं और 4 गुरसिख हैं। टोटल 36 जो वाणियां उसमें है और 15 जो भगत हैं, ये भगत कौन कौन है? ये सारे भारत से उस समय जो निराकार की उपासना करने वाले थे उनका उन्होंने वहां पर सम्मिश्रण गुरु ग्रंथ साहब ने आकर के लाके रख दिया। भगत कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, फरीद जी हैं, रामानंद जी हैं, बेनी जी हैं, नामदेव जी हैं, परमानंद जी हैं, हमारे महाराष्ट्र के 3 हैं उसमें, नामदेव जी हैं, परमानंद जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, भगत सदना जी हैं, भगत भीखन जी हैं, भगत सैन जी हैं, भगत दन्ना जी राजस्थान के थे, भगत पीपा जी राजस्थान के थे, सैन गुजरात, सूरदास जी, भगत जयदेव जी उड़ीसा तक के, सारे भारत से जो निराकार की उपासना करने वाले संत थे उनको लाकर के गुरु ग्रंथ साहब ने इकट्ठा कर दिया। तो इससे बड़ी परिकल्पना और राष्ट्रवाद की और क्या हो सकती है जिसको अध्यात्म के साथ में उन्होंने जोड़ दिया।